तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें किसी भी सवाल के जवाब की ज़रूरत हो तो हम केवल Google पर जाते हैं और हम अपना सवाल टाइप करते हैं और Google हमारा सवाल का जवाब तुरंत ही दे देता है। बट आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि मतलब जो हम सवाल टाइप करते हैं उसका जवाब देने के लिए गूगल में कितने लोग काम करते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गूगल में करीब 2 लाख लोग हमारे सवाल का जवाब देने के लिए काम करते हैं, जो कि फ़िलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि गूगल में काम करने के लिए हर दिन करीब 25,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। नेटफ्लिक्स जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिस पे लोग वीडियोज़, टीवी सीरियल्स, मूवीज़, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। वैसे मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं है क्योंकि अपने पास सब्सक्रिप्शन के पैसे ही नहीं है। चलो छोड़ो ये सब बातें, बात करते हैं फैक्ट की। बात ये है कि नेटफ्लिक्स असल में गूगल से पहले फाउंड किया गया है, लेकिन गूगल जितना फेमस नहीं है। जैसे कि नेटफ्लिक्स को कुछ ही लोग जानते हैं, बट गूगल को बच्चा बच्चा जानता है। इंटरनेट जो कि आजकल की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिसके ज़रिए हम अपना काफ़ी सारा काम बहुत ही आसानी तरीके से कर लेते हैं। लेकिन आप लोग को ये मालूम है कि दुनिया भर की जितनी पॉपुलेशन है, मतलब 7.9 बिलियन पीपल, उनमें से केवल 60% लोग ही ऐसे होते हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। और उन 60% लोगों में से जो 14% लोग हैं वो केवल हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जितनी अमेरिका की आबादी नहीं है उससे कहीं ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हमारे इंडिया में भरे पड़े हैं। और जो अमेरिका की आबादी है उसमें से भी 15% यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेट को यूज़ ही नहीं करते। नेट पे अगर कोई भी वीडियो 10 सेकंड से ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेता है चालू होने में, तो उस वीडियो को देखने वालों में से 50% जो लोग होते हैं वो उस वीडियो को छोड़कर ही चले जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर करना। और हाँ, वीडियो पे लाइक ठोकना भूलना मत। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो आप सभी लोग चलाते रहोगे, बट मैं आपको इंस्टाग्राम के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में ख़रीदा, तब इंस्टाग्राम के अंदर केवल 13 एम्प्लॉयज़ ही काम करते थे, बट अब 450 एम्प्लॉयज़ उसके अंदर काम करते हैं। वीडियो में से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।